ଆମକୁ ଖାଲି ବାକି ଲୋକ ତାଫୁଲା अरे स्पेस बनाओ नहीं यहाँ पर स्पेस बनाइए इधर लॉन्ग पूरा कवर हाँ हाँ सर अरे बाप रे परेशानी बहुत है राजीव भैया छोड़िए ना आप जब कर रहा अभी पाइट ले किस लिए फ्लैग मार्च और क्या अपील है जिला प्रशासन? जैसा कि सभी आप लोगों को पता है कि होली और सभी बारात का त्यौहार है और ये हर्षोल्लास का विषय है कि एक ही दिन दो त्यौहार पड़ रहे हैं और हम लोग जिले में शांति व्यवस्था और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाले हैं। पूरे शहर में करीब 700 बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, बाहर से ही बल मंगाया गया है और हम लोग सारे जो बल आए हैं और जो जिला पुलिस है उनको पूरे एरिया में घूम रहे हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और जिला भागलपुर जिला पुलिस का लोगों से यही अपील रहेगा कि सद्भावना को बनाए रखें, शांति व्यवस्था बनाए रखें, आपस में भाईचारा का माहौल बनाए रखें। जो संवेदनशील इलाके हैं सर, वहाँ पर किस तरह से गश्ती और फोर्स तैनात किए गए सर? हम लोगों ने मेन शहर को तीन भागों में बांटा है, तीनों
भाग में एक एक एसएसबी की क्वार्टी लगाई गई है। उसके अलावे जो दंगा निरोधक दस्ता है उसकी प्रतिनिधि की गई है, सीआईटी की भी प्रतिनिधि की गई है, एलटीएफ को भी लगाया गया है, और जितने भी ऑफिस में भी जितने कार्य करने वाले कर्मी हैं उनको भी होली के दिन विधि व्यवस्था की ड्यूटी में ही लगाया गया है। सर एक जगह से बरामद भी हुआ है सर, क्या जैसा कि आप लोगों को पता है कि शराब के विरुद्ध नशा मुक्ति का जो अभियान चलाया जा रहा है, होली को देखते हुए उस अभियान में और भी तेजी लाई गई है, और जितने भी हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन आप लोगों के द्वारा ही जो दिया गया है उस इन्फॉर्मेशन पे ठोस कार्रवाई हो और उसमें फलाफल दिखे, इसके लिए सारी टीम को जितनी भी एलटीएफ की टीम है, जितना भी थाना है, थाना अध्यक्ष है, सारी टीमों को शराब की छापेमारी के लिए लगाया गया है। ठीक है, ठीक है सर।